रायपुर से बड़ी खबर है, जहां भाजपा महामंत्री योगी चौधरी ने ट्वीट किया है, चंद्रपुर कांग्रेस विधायक का वीडियो ट्वीट किया है इन्होंने। वीडियो में विधायक के सामने नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। कांग्रेस नोटों की गड्डी के वीडियो स्वीकार करेगी या संदेह है तो जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का साहस दिखाएगी, ट्वीट किया गया है ओपी चौधरी के द्वारा। या फिर कोयला बाला वीडियो की तरह मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। चंद्रपुर से कांग्रेस विधायक है राम कुमार यादव। ये वीडियो सुर्खी बन गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। विधायक के सामने नोटों की गड्डियां रखी हुई नजर आ रही हैं और इस वीडियो के साथ ही चुनौती दी गई है कांग्रेस को ओपी चौधरी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मेरे पहले की वीडियो की तरह मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी या फिर इसे जांच के लिए सीबीआई को भेजा जाएगा, इसका साहस किया जाएगा। देख सकते हैं आप नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं और सामने कथित रूप से विधायक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्वीट N24/7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चंद्रपुर से कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव का ये वीडियो भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी के द्वारा ट्वीट किया गया है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, ये वीडियो ट्वीट किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, एक चंद्रपुर के विधायक जो राम कुमार यादव हैं, उनका एक वीडियो जो है भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने वायरल किया फेसबुक पर। उन्होंने वो जो वीडियो है वो पोस्ट किया है और साथ ही उसके बाकायदा कैप्शन भी लिखे हैं। ये वीडियो जो है उसमें राम कुमार यादव जो है सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। पास में नोटों के बंडल है, 500 रुपए के नोट की गड्डी है, लाखों रुपए वो हो सकते हैं। बात ये यहाँ खास बात ये है कि चंद्रपुर विधायक जो राम कुमार यादव है उन्हें गरीब विधायकों में माना जाता है। प्रधानमंत्री आवास में विधायक जो राम कुमार यादव है वो निवास करते हैं, तो ऐसे विधायक के पास जो है इतने सारे नोटों के बंडल के साथ उनका इस तरह से वीडियो में दिखना एक प्रकार से एक चर्चा का विषय बन गया है। और ये कहीं ना कहीं इसमें एक जो साथ में नजर आ रहे हैं वो भाजपा कांग्रेस के ही कुछ लोग कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ओपी चौधरी ने जो पोस्ट किया है उसके माध्यम से सरकार को पूरा घेरने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये भी वीडियो फर्जी हो तो पहले की तरह मेरे ऊपर एफआईआर कराएं या फिर इस वीडियो की जांच कराएं। कुल मिलाकर उन्होंने कांग्रेस को इस वीडियो के बारे में बिल्कुल। हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। हम इनका रुख करना चाहेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है N24/7 में। धन्यवाद। ओपी चौधरी जी ने वीडियो डाला है, नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं चंद्रपुर कांग्रेस विधायक राम कुमार जी के सामने और सुना है पीएम आवास में ये रहते हैं, है क्या सर? क्योंकि वीडियो की सत्यता क्या है तो चौधरी जी बताएंगे, क्योंकि चौधरी जी जो है पुराने वीडियो मास्टर रहे हैं। उन्होंने एसीसीएल कोल फील्ड्स को भी लेकर कोरबा का एक वीडियो डाला था जब पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया था और इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ जो है वहां पर अपराध भी कायम किया गया था। तो वो आज तक जो है बचते हुए भाग रहे हैं, तो सत्यता क्या है उनको बतानी चाहिए। अगर वीडियो है और पैसा दिखाई दे रहा है तो इससे पीछे संदर्भ क्या है?
उन्होंने सीधी चुनौती दी है कि आप सीबीआई को भी वीडियो भेजिए या तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, एक एफआईआर एक मामला झूठा पाया गया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, हमारी सरकार इसकी भी जांच करा लेगी, मामला झूठा पाया जाएगा फिर दर्ज हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात। मेरा तो कहना है अगर वीडियो आपने जारी किया तो उतना ही कान छाट के क्यों जारी किया, उसके आगे पीछे के जारी कीजिए, संदर्भ क्या है आप ये बताइए, अगर ये अपराध है तो जाके थाने में शिकायत कीजिए हमारे विधायक के खिलाफ। वाकई लाजमी बात आपने कही है कि सोशल मीडिया में वीडियो डालने के बाद क्या पुलिस से भी संपर्क किया गया है, देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि इस समय वीडियो डालकर क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए साहब, कंगना रनौत की एक फिल्म आई थी जी, उसमें डाला था अभी तो हमको और जलील होना है। हाँ। तो जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे जलालत और जलील होने वाले कृत्य बार बार करेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर ले, शुक्र है सर, आपने कंगना रनौत का उदाहरण दिया। बहरहाल हमसे मुखातिब होने के लिए और अपने तथ्य तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये वीडियो महाभारत बन सकता है, पूरे छत्तीसगढ़ की सियासी सरगर्मी को बढ़ाने वाला ये वीडियो सामने निकल कर आया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस वीडियो के आगे पीछे का हिस्सा कहाँ है, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डालने का क्या उद्देश्य है, पुलिस के पास ये वीडियो क्यों नहीं लाया जाया गया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ओपी चौधरी पहले भी फर्जी वीडियो डाल चुके हैं, कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है और उसी संदर्भ में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, अगर ये वीडियो भी कुछ छेड़खानी के साथ डाला गया तो पुलिस की कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है और इस पूरे मामले पर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा भी क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश आप नजर बना के रखेंगे, हम और भी लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो की तह तक जाने की INS 24/7 भी कोशिश कर रहा है। मुकेश, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।